उत्तराखंड की दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जीत का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। दोनों ही पार्टियों ने अपने कार्यक्रमों को पंचायत स्तर पर अमली जामा पहनाने की रूपरेखा तैयार कर ली है। यही नहीं, कांग्रेस कुछ खास एजेंडों और वर्क को फोकस करने का भी प्लान कर चुके हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर अपने प्रोग्राम चला रही है, लेकिन कांग्रेस का प्रयास सरकार विरोधी लहर का फायदा लेना और पार्टी स्तर पर मुद्दों को जनता के बीच ले जाना है। उत्तराखंड में बारी बारी सत्ता का स्वाद चखने वाले दोनों ही राष्ट्रीय दलों का फोकस यूं तो सभी 70 विधानसभाओं पर रहता है, लेकिन इस बार आंकड़ों और विरोधियों की तैयारियों के लिहाज से यह पार्टियां अपनी जीत का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही हैं। भाजपा पिछले लंबे समय से अपने अलग अलग कार्यक्रम के जरिए जनता के बीच मौजूदगी दर्ज करा रही है। एक पूरी किट, ये किट है हमारी जिस किट को हम देने वाले हैं। इस किट में एक एक चीज अभी दिखाऊंगा, पहले किट दिखा रहा हूँ। ये किट है हमारी, हर बूथ पर ये किट जाएगी हमारी। उधर कांग्रेस इस मामले में काफी देरी से सक्रिय हुई है, लेकिन कई बातें हैं जो कांग्रेस के पक्ष में उनकी इस देरी के बावजूद जीत का माहौल तैयार कर रही है। कार्यक्रम दिया है और उस कार्यक्रम में भी हम गैरसैंण की उपेक्षा के खिलाफ हमने पहले ही तय किया था कि हम जहां एक तरफ भाजपा घर घर भाजपा अभियान शुरू कर चुकी है, वहीं आज कांग्रेस भी गांव गांव कांग्रेस अभियान से चुनाव फतह करने की तैयारी में है। कांग्रेस अभी तो घर घर जाने का केवल नाटक कर रही है। अगर कांग्रेस ये फोटो खिंचवाने की राजनीति से ऊपर उठे और 5 साल इन्हें घर घर जाने का मौका मिले तो इन्हें पता चलता कि प्रदेश में माहौल किस तरह का है, और लगातार 5 साल तक एक भी चुनाव, वो उपचुनाव हो, वो निकाय चुनाव हो, वो पंचायत चुनाव हो, वो लोकसभा चुनाव हो, वो अन्य चुनाव हो, सहकारिता चुनाव हो, कोई भी चुनाव कांग्रेस हमसे जीत नहीं पाई, क्योंकि कांग्रेस कभी जमीन पे उतरी नहीं, केवल हवा हवा में एक हवाई पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है, जिसका अब उत्तराखंड में कोई सिर और पैर नहीं बचा है। देवभूमि इनसाइडर की रिपोर्ट। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।